माता जी के चरणों में आने का मौका मिला। बचपन से आध्यात्म की कई किताबें पढ़ा करता था। मनुष्य के शरीर में चक्र होते हैं, कुंडली होती है। अगर कुंडली जाग जाए तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ये सब पढ़ता तो बहुत था, लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि सहज योग वो ज्ञान है जो माता जी की वजह से यहाँ पे पृथ्वी पे लोगों को सहज योग का ज्ञान मिला, जिससे आप अपने शरीर में उसकी अनुभूति भी कर सकते हैं और जिसकी वजह से आत्मा का और परमात्मा का मिलन भी हो सकता है। जहां पे इस हॉल में आने के पहले हम एक कमरे में बैठे हुए थे, तो यहीं के कुछ साधक मुझे इसके बारे में बता रहे थे, तो मुझे एक तरह से लगा कि कई वर्षों से जो किताबी ज्ञान था, आज मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां पे उस किताबी ज्ञान को आप अपने शरीर में अनुभूति कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पहली बार आया हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे मैं भी सहज योग को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करूंगा। दूसरा, अभी यहां पे कुछ कठिनाइयां बताई गई कि आने में पुल में दिक्कत होती है, लाइटें नहीं है, बस की कमी है। मैं आपको यही आश्वासन दे सकता हूं कि ये एक तरह से तीर्थ स्थान है जहां पे कोने कोने से लोग धर्म की प्राप्ति करने के लिए आते हैं। अगर लोगों की कठिनाइयों को हम दूर कर सकें तो हमें बहुत पुण्य लगेगा और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। ये जो तीनों बातें आपने कही, ये तीनों तो तुरंत हम लोग दूर करेंगे तीनों कठिनाइयों को। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई साधकों को महसूस होती है, तो मैं यहाँ के सभी ऑर्गेनाइजर्स से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप बेहिचक मेरे घर पे आइए, मेरे दफ्तर में आइए, और जिस भी किस्म की आपको तकलीफ है, वो तकलीफ पूरे तन मन धन से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा गया कि लिंक रोड का नाम माता जी के नाम से रखा जाए। मुझे लगता है इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती।